वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ राजू राम और आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों आज लग्जरी वेडिंग एल्बम कवर डिज़ाइन। तो उसके लिए हम लोग न्यू जाएंगे, यहाँ से 12x36 का एक ब्लैंक लेआउट तैयार कर लेंगे। ये हमारा ब्लैंक लेआउट तैयार हो चुका है। अभी से हम ग्रिड ले लेंगे सेंटर पे एक, 18 पे और 17.5 पे एक, और एक हम 18.5 पे ग्रिड लाइन क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग का मार्जिन तैयार हो जाएगा सेंटर पे। तो देख सकते हैं इस तरह का मार्जिन तैयार हो चुका है। अब इसे फ़ोटो को प्लेस करेंगे एक फ्रंट कवर के लिए। तो ये फ़ोटो हम चूज़ कर चुके हैं, इस तरह का फ़ोटो देख सकते हैं। प्लेस होके आ गया हमारा फ़ोटो दोस्तों। इस तरह का फ़ोटो लेने के बाद हम इसे एच टू एच सेट कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मैं जस्ट अपना एक तरीका दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग एलिगेंट कवर डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है आगे जाके। तो उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करने का तरीका पिछले वीडियो में बता चुका हूँ 5 तरीक़ों से। तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो में जाके। तो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे हम और इसे मास्किंग ऑन कर लेंगे। मास्किंग करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करके मास्क पे क्लिक करेंगे तो मास्किंग ऑन हो जाएगा। ब्रश लेकर हम बड़ा करके इसे ब्रैकेट ओपन क्लोज से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ब्रश को ऐसे हम ड्रैग करके जहाँ जहाँ चाहिए हमें इफेक्ट, हम उभार सकते हैं इसके फ़ोटो को। तो इस तरह से हमारा मास्किंग हो चुका है दोस्तों। इसे हम थोड़ा सा और जूम कर लेंगे ताकि एच टू एच परफेक्ट फिट हो जाए हमारा फ़ोटो। और हम इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे और हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। तो उसका कंट्रोल एम प्रेस करेंगे देखिए दोस्तों, और यहाँ से हम कर्व टूल की मदद से थोड़ा एस कर्व के जरिए थोड़ा सा हम इसको फोटो में निखार लाएंगे। तो जैसे आप चाहे करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप गाइडलाइन को देख ले, जिस तरह से करता हूँ मैं, तो इससे आपकी आसानी से कर सकते इस तरह से। तो इस तरह होने के बाद इसे ओके कर देंगे और हमारा देखिए फ्रंट कवर का लेआउट तैयार हो चुका है लगभग। अब इसमें हम बहुत सारे डिज़ाइन करने वाले हैं, तो देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपका एक खूबसूरत डिज़ाइन तैयार होने वाला है। तो इसका तो हम बैक कवर लेकर आ चुके हैं यहाँ पे। बैक कवर के डिज़ाइन के लिए फोटो प्लेस करने के बाद इसका थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, कलर एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो कि मैं कर्व से कर रहा हूँ। आपको देख सकते हैं एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम एक एरिया को, हैंड वाले एरिया को मार्किंग टूल से सिलेक्शन करेंगे इस तरह से, और इसे हम कंट्रोल जे की मदद से डुप्लीकेट कर लेंगे। तो लेयर डुप्लीकेट देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है हमारा। अब नीचे वाले लेयर को हम इसे लुमिनेसिटी कर लेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा व्हाइट और बैकग्राउंड है इसलिए। तो इसे हम ओपेसिटी थोड़ा कम करके इसे एडजस्ट कर लेंगे जैसे चाहिए हमें, बैकग्राउंड के साथ मिक्स करके, जो कि हम फ्रंट के साथ मैच करते हुए दिखे ताकि। तो इस तरह करने के बाद अब सेम प्रोसेस भी जो पहले मैंने दिखाया था फ्रंट कवर फ्रंट फोटो के लिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। इसका डुप्लीकेट करके एक लेयर इसे हम खींच देंगे इस तरह से, और इसे एच टू एच कर लेंगे और हम इसमें फिल करेंगे एक स्ट्रोक। तो स्ट्रोक टूल में जाके इफेक्ट डाल देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम स्ट्रोक को 2 रखेंगे, और यहाँ से हम ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे, और यहाँ से चूज़ करने के बाद ओके कर देंगे, और यहाँ से फिर वापस ओके कर लेंगे। तो हमारा स्ट्रोक आ चुका है, और इसके फिल को हम कम कर देंगे, पूरा 0 कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, फिल हट गया है और सिर्फ स्ट्रोक दिख रहा है हमें। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम अब इसके अंदर देखिए, हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे सारे लेयर्स को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नीचे के हम बड़ा जूम करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इसे जूम करके नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों, और एडजस्ट करने के बाद जो आप सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ इसको। इतना करने के बाद इसे हम इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे ये फिक्स हो जाएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे देखिए दोस्तों, जो हमारा ऊपर वाला लेयर है लाइन स्ट्रोक वाला, उसको सिलेक्ट करके हम इसमें एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे फ्रंट वाले के ऊपर कंट्रोल जे करके। तो देखिए हमारा एक इफेक्ट तैयार हो गया दोस्तों, थोड़ा ब्राइट और डार्क हो गया, देखने में अच्छा लगा। तो हम इरेजर टूल की मदद से लेंगे और साइड वाले हिस्से को थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो उसके लिए हम दिखा सकते हैं, ये लेयर हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। अब इरेजर ले लेंगे ई प्रेस करके, और यहाँ से थोड़ा साइज को बढ़ा लेंगे ब्रैकेट ओपन की मदद से, और क्लोज की मदद से ब्रैकेट छोटा बड़ा कर सकते हैं आप ब्रश के साइज को। इस तरह से इरेज करने के बाद देखिए हमारा ये फिक्स हो गया है इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, कपल नेम। तो टेक्स्ट टूल ले लेंगे और यहाँ से हम कपल नेम को सिलेक्ट करके चूज़ लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर वगैरह सेट कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कलर ले लेंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्राइट है। तो इस तरह से हम एक डार्क कलर चूज़ कर लेंगे, ओके कर लेंगे, और यहाँ पर हम ब्राइट कपल का नाम लिख लेंगे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कपल का नाम, आप देख सकते हैं। इस तरह से कपल का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने हमें
तो दोस्तों अगर आपको डेमो डाउनलोड करना है इसका तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया रहेगा, वहाँ से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट चूज़ कर लेंगे तो इस तरह से आप कैलीग्राफिक फॉन्ट हम चूज़ कर लेंगे, हैंड राइटिंग वाला जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। और सेंटर वाले वेट्स वाले पार्ट को सिलेक्ट करके हम एक सिंपल सा फॉन्ट दे देंगे ताकि वो साफ साफ नज़र आए देखने में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको कवर के साथ रेशियो मेंटेन कर सकते हैं, आप मैच कर ले, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहते हैं नीचे की तरफ डेट भी डाल सकते हैं वेडिंग का, मैंने यहाँ पर सिर्फ कपल नेम लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। और इस तरह से कलर चूज़ कर लेंगे, थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो और भी डार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से होने के बाद हम इसे डुप्लीकेट कर लेंगे और इसका टेक्स्ट को, और यहाँ पे बैक में हम फोटोग्राफी भाई कुछ भी लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पे www.paridhiartography.com लिख देंगे इस तरह से, और हम अपना लोगो लगा देंगे इस तरह से। तो आप फोटोग्राफी का लोगो वगैरह डाल सकते हैं, कुछ अपना डिटेल्स डालना चाहते हैं कंपनीज का तो भी डाल सकते हैं बैक कवर के लिए, और यहाँ पर सेट कर ले इस तरह से बड़ा छोटा करके, जैसे भी चाहे आप सेट कर सकते हैं इस तरह से, और लोगो लाकर प्लेस कर दें और उसके ऊपर जस्ट एडजस्ट कर दें इस तरह से। तो देखो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है दोस्तों, हमारा लगभग 90% काम हमारा हो चुका है। अभी से हम थोड़ा सा फाइनलाइजेशन करने के लिए इसे एडजस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब इसका प्रीव्यू हम आपको दिखाए थे फुल स्क्रीन पर, तो देख सकते हैं हमारा ये डिज़ाइन एलिगेंट डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा टिप्स, इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन को दबा देगा हमारा नोटिफिकेशन हमें आपको मिलती रहे, और कोई भी वीडियो आपको हमारा मिस ना हो। तो मिलते हैं इसी तरह टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।